हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का आपका पार्ट एट। पार्ट सेवन और पार्ट एट में दो तीन दिन का गैप हो गया, थोड़ा मैं भी बिजी था इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो आज के सेशन में अपन ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट एट देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं जो आज के सेशन में ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएंगे, 10% रह जाएगा, तो उसको आने वाले दो तीन सेशन में उस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और जो भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि दो तीन या चार पार्ट्स और बनेगा इसके अलावा। पार्ट एट के अलावा मैं कोशिश करूंगा जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप्स को कवर करने को। तो यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कॉस। ये आपको जनरली कॉस का प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। तो प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कॉस का दो तरह तरीका है, दो तरीका नहीं कर सकते, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो पहला टाइप है वो मैंने बता दिया था, क्या कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा जो होता है, इसका वैल्यू 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। और दूसरे तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कॉस का प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a, इस तरह का यदि प्रोडक्ट दिया गया है तो आप इसमें क्या कीजिए, इसको साइन 2a का फॉर्म देने का कोशिश कीजिए। तो यदि यहाँ पे 1/sin a से गुना करेंगे, 1/2sin a से, तो 2sin a आपको ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा, बच क्या जाएगा कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a। अब देखिए 2sin a इंटू कॉस ए क्या दे देगा आपको, साइन 2a दे देगा। अगेन बाय 2 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 2sin 2a इंटू 2cos 2a क्या आ जाएगा, साइन 4a। साइन 4a आ गया आपका, बचा हुआ है साइन कॉस 4a, अगेन 2 से देंगे तो आपको 2sin 4a इंटू कॉस 4a आ जाएगा, ये आपको कॉस 8a दे देगा। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 2sin 8a हो जाएगा, साइन 8a इंटू कॉस 8a ये आपको दे देगा साइन 16a, बट्टा आप साइन a से डिवाइड किए थे और 2 कितने बार आया है, 4 बार, यानी कि 16 आ जाएगा। तो साइन 16a बटे 16 साइन a, इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन इस वाले सीरीज में फॉर्म होते हैं कॉस के प्रोडक्ट सीरीज में। तो जब भी कॉस का प्रोडक्ट सीरीज आए, इस दोनों फॉर्म को देखिए कि कौन सा फॉर्म वहां पे अप्लाई हो रहा है, किस फॉर्म का यूज करके आपका क्वेश्चन जो है इजीली आंसर किया जा सकता है। तो ये तो हो गई जस्ट एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जहां से आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है, कब और कहां कैसे यूज करते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला दिया गया है कॉस 12 इंटू कॉस 24 इंटू कॉस 48 इंटू कॉस 84। अब इसमें आप लगाइए क्या कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, दूसरे वाले अप्रोच पे चलेंगे। देखिए कॉस 12 दिया गया है, कॉस 24 दिया गया है, कॉस 48 दिया गया है, क्या आप कॉस 84 को साइन 6 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको यदि आप कॉस 90 माइनस 6 भी लिख सकते हैं, कॉस 84 को कॉस 90 माइनस थीटा आपको साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 6 डिग्री आ जाएगा। ओके तो चलिए ये आपका साइन 6 हो गया, तो यहाँ पे हम साइन 6 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन 6। अब देखिए साइन 2a का फॉर्म देने के लिए 1/2cos 6 से यदि डिवाइड करते हैं तो 2cos 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा, बच क्या जाएगा साइन 6, साइन नहीं आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा cos 6 आया, तो बच क्या गया आपको साइन 6, cos 12, cos 24, cos 48 आ गया। अब देखिए 1/2cos 6 तो ऐसे ही रह जाएगा,
ये आपको क्या दे देगा, 2 cos 6 इंटू साइन 6, 2 sin ए इंटू cos से क्या होता है sin 2 ए, तो ये आपको sin 12 ए दे दिया। अब आपके पास बचा क्या है, cos 12 ए, cos 24, ए नहीं है, cos 12 डिग्री हो गया, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री हो गया। ओके, अगेन ए तो आपका कॉमन है, 2 cos 6 डिग्री। चलिए अब यदि 1/2 से 1/2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin 12 इंटू कॉस 12, जो कि आपको दे देगा sin 24 दे देगा। अब रिमेनिंग सेम ऐसे ही रहेगा, cos 24 cos 48। अगेन आप देखिए, अब आपके पास हो गया 1/4 cos 6 डिग्री, 1/2 से अगेन गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin 24 इंटू cos 48 आ गया। चलिए अब आपको नीचे क्या आ जाएगा, 1/8 cos 6 डिग्री इंटू 2 sin 24 इंटू cos 24 बचा हुआ है, 2 sin 24 इंटू cos 24 कितना आ जाएगा, sin 48 इंटू cos 48 तो बचा हुआ है। अगेन आप 1/2 से गुना करेंगे, 1/16 cos 6 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, 2 ऊपर भी गुना हो जाएगा तो 2 sin 48 इंटू cos 48, एक कितना आ जाएगा, sin 96 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 1/16 ऊपर sin 96 है, sin 96 को sin 90+6 लिखेंगे, sin 90+θ आपका cos θ होता है, यानी कि cos 6 डिग्री बटा cos 6 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बच क्या गया, 1/16 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये आपका अप्रोच है, एक्चुअल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट यदि आपको, मैं और कहीं की बात नहीं बता रहा हूं, यदि आपको एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल यदि अपने एग्जाम में या कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक के जो पूछते हैं, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, इस सारे एग्जाम्स में यदि आपको कॉस का प्रोडक्ट सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्या कीजिए, 1/2 को तब तक गुना करते रहिए, मतलब कि इतने ही बार गुना कीजिए जितना उसमें टर्म्स दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से आप देखिए, पहला टर्म क्या है, cos 12, दूसरा टर्म क्या है, cos 24, तीसरा टर्म क्या है, cos 48, चौथा टर्म क्या है, cos 84, यानी कि आपको 1/2 को 4 बार गुना करना है, 1/2 गुना, 1/2 गुना, 1/2 गुना, 1/2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/16। आंख बंद करके आप एग्जाम में आंसर मार्क करके आ सकते हैं। इस तरह के अप्रोच को, डिटेल्ड अप्रोच को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। डिटेल्ड अप्रोच मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको बेसिक्स पता हो कि इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब भी आपका कॉस के प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है एसएससी एग्जाम में, बाहर भी यदि आपको ऐसे ही किसी और बुक में हायर लेवल का क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, वहाँ पे आंसर सही नहीं होगा। बट मैं स्पेशली एसएससी के एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़रूर सॉल्व कीजिए, वैसे एग्जाम में कभी भी किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग चाहते हैं कि जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्या कीजिए, झट से आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4, 1/2 को 4 बार गुना कीजिए। चलिए ये कितना आ जाएगा आपको, 1/16 आ गया इसका आंसर, सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, एक क्वेश्चन जो है फेसबुक ग्रुप में नमन जी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए आपको केवल ये बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो होगा कैन नॉट बी सॉल्व्ड विदाउट द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल वैल्यू टेबल, बिना वो वैल्यू टेबल के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। बहुत लोग यहाँ पे अगेन वो चीज़ लगाते हैं, क्या cos θ इंटू cos 2θ इंटू cos 4θ इज इक्वल टू 1/4 cos
3 थीटा, ये वाले फॉर्मूला साइन कॉस टैन के लिए मैंने पिछली क्लास में बता दिया हूँ कि एक उस जो फॉर्मूला है वो एकदम गलत फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कभी भी आप यूज मत कीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। बहुत लोग इस क्वेश्चन को, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक में भी इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया गया है, जो कि एकदम गलत है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको एक्सप्लेन कर दूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर है, सेकेंड में क्या था, 72 डिग्री तक का प्रोडक्ट था, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड में 84 डिग्री तक का दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यदि ऐसे एक बार फिर से यदि इसको रीअरेंज करके लिखे, तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 12, ओके, cos 48, cos 72, ओके, इसको ले लिया हम लोगों ने, इसको ले लिया और इसको ले लिया। अब हम लोग का बचा क्या है, cos 24, cos 36, cos 84। अब हम लोग का 24, 36, 84 ले लिया, बचा क्या है हम लोग का cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, सब लोगों को पता है। चलिए 1/2 यहाँ पे आया। अब इस चीज को देखिए, cos 12, cos 48, cos 72, क्या आपको cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा को यहाँ पे कर रहा है कि नहीं। देखिए 12 थीटा ले रहे हैं तो 48 60 माइनस 12 हो जाएगा, 72 आपको 60 प्लस 12 हो जाएगा, ओके। अगेन सिमिलरली यदि आप देखेंगे cos 24 को यदि आप थीटा लेते हैं तो 24, 36 को आप 60 माइनस 24 लिख सकते हैं, 84 को आप 60 प्लस 24 लिख सकते हैं। ये दोनों उस फॉर्मूला को फुलफिल कर रहा है। तो cos A into cos 60 माइनस A into cos 60 प्लस A आपको क्या होता है, 1/4 cos 3A, तो इनटू, ओके, तो 1/4 into cos 3A, cos 3A कहने का मतलब cos 36 डिग्री, इनटू 1/4 cos 3A यानी कि cos 72 डिग्री, ओके। ये आपको कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32, 1/2, ये आपको क्या आ गया, cos 36 डिग्री। क्या आप cos 72 डिग्री को cos 18 डिग्री लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक चीज आपको बता दूं कि ASSC CGL आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको 36 और 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे यूज हो रहा है। यदि पूछेगा भी तो आपको cos 18 का या sin 18 का वैल्यू और cos 36 का वैल्यू आपको जरूर दे देगा कि इस वैल्यू को आप यूज करें। वैसे अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 + 1/4। sin 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आता है आपको √5 - 1/4। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उस डेटा को रखिए, 1/32 into cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √5 + 1/4 into √5 - 1/4, ओके, 1/32 into 1/4 into 1/4। ऊपर देखिए a + b into a - b है, यानी कि a² - b² √5 का स्क्वायर 5, -1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4, 1 4 से 1 4 चला गया। तो आपके पास जो अभी बचा वो कितना बचा, 1/32 into 1/4, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/128 विल बी द राइट आंसर। वैसे यदि आप प्रीवियस अप्रोच से जाए, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सपोज मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे ASSC CGL पूछ दे, यदि ASSC CGL पूछ दे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, क्योंकि ये कॉस का प्रोडक्ट सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7, 1/2 को आपको कितने बार गुना करना है, 7 टाइम्स, यानी 1/2 का 7 पावर हो जाएगा, 1/2 के पावर 7, 2 के पावर 7 कितना आ जाएगा आपको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 1/128 विल बी द राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। अब चलिए इसी क्वेश्चन का मदद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको cos 12, cos 24, cos 36, cos 48, cos 60, cos 72 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। अभी आपने देखा, सपोज इतना तक के वैल्यू को आप x ले लेते हैं, तो x इंटू एक और टर्म, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, cos 84 था। तो यदि हम इसमें cos 84 से गुना कर दे और भाग कर दे तो सेम बात होगा,
सेम बात होगा कि नहीं होगा कि साइन 72 डिग्री तक है उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। कॉस 84 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया हम लोगों ने, अभी आपको पता है कि साइन 12 से 84 तक का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना, 1/128 बटा कॉस 84 है। ओके 1/128 कॉस 84 का वैल्यू अगेन आपको पता नहीं है। कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बताया था साइन थीटा इंटू साइन सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, जिसको मैं ऑलरेडी लास्ट सेशन में प्रूफ कर चुका हूँ कि वो फॉर्मूला गलत है। तो इसको क्या करता है, वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर 1/64 देता है। अब देखिए इसका वैल्यू 1/64 कब आएगा, जब आपको कॉस 84 डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा, तभी तो आपको 1/128 कॉस 84 का 1/2 यानी कि 2 से गुना हो जाएगा 1/64 आएगा। क्या कॉस 84 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 होता है, कॉस 82 डिग्री का वैल्यू जो होगा कॉस 82 डिग्री का वैल्यू वो 1/2 से बड़ा वैल्यू होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। तो मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको एसएससी कभी भी अपने एग्जाम में नहीं पूछ सकता, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है बिना उस जो आपको वैल्यू का जो टेबल रहता है उसको यूज किए हुए। तो आई होप नमन जी और जितने भी और भी एस्पायरेंट्स हैं आपको एक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कॉस थीटा कॉस 60 कॉस सॉरी कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा का यूज करके, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि एक वाला फॉर्मूला कैसे गलत है जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था प्रूफ करके। ऊपर से बताइए कि भाई टिल कॉस 84 आपको 128 आ सकता है, तो कॉस 72 डिग्री 1/64 कैसे आएगा, तभी आएगा जब कॉस 84 का वैल्यू 1/2 रखेंगे, और कॉस 84 का वैल्यू 1/2 कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 प्लस साइन 60 बटा कॉस 20 प्लस कॉस 60। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन सी प्लस साइन डी यानी कि 2 sin C + D/2 यानी कि 60 + 20/2 ओके इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कि यदि आप सी माइनस डी कीजिए या डी माइनस सी कीजिए 60 - 20/2 ले लिए ओके बटा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस C + D/2 यानी कि 60 + 20/2 इंटू कॉस C - D/2 20/2 यानी कि cos 60 - 20/2 हो जाएगा, cos 60 - 20/2 आ गया ओके। अब देखिए इसको यदि अपन सॉल्व करें, दो दो कट गया, साइन 60 + 20/2 यानी कि कितना आ गया साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री बटा आपको ये कितना आ जाएगा कॉस, ये आपका कॉस है कॉस 60 + 20/2 यानी कि कॉस 40 इंटू कॉस 20 आ गया, cos 20 cos 20 कैंसिल आउट, sin 40 / cos 40 कितना हो जाएगा 10 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना था साइन सी प्लस डी का, इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट सेशन में आपको ऑलरेडी बता दिया है बट वहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया नहीं था। दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ कॉस सी प्लस कॉस डी का, वही दोनों फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये देखने में इजी लग रहा है बट ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए क्या दिया गया है, साइन 12 इंटू साइन 24 प्लस साइन 36 इंटू साइन 72 बटा साइन 12 इंटू कॉस 24 प्लस साइन 36 इंटू कॉस 72। अब आपको मैंने एक चीज बताया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का भी बताया था, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी बताया था, उसी का यहाँ पे यूज आएगा। यदि आप यहाँ पे सपोज एक बार और ले लेते हैं साइन ए माइनस बी, तो एक कितना आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप यहाँ से देखिए साइन ए साइन बी यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए कॉस ए प्लस बी, क्योंकि कॉस साइन ए साइन बी किस में आता है कॉस ए माइनस बी में आता है, तो
टू साइन ए साइन बी यदि आप निकालेंगे तो साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ओके, साइन ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला को मैं एक्सटेंड करके आपको बता रहा हूं, तो साइन ए इंटू साइन बी जो होगा वो आपको कितना होगा, टू टू आ जाएगा, टू इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 12 माइनस 24 कॉस माइनस 12 आएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी कि कॉस 12 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, टू नहीं होगा सॉरी, तो कॉस 12 डिग्री कैसे आया, कॉस ए माइनस बी किए माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 36 डिग्री आ जाएगा, बटा में टू, अगेन आपको ऊपर है साइन ए साइन बी है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 36 माइनस 72, कॉस माइनस 36, अगेन आपको कॉस 36 माइनस कॉस कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, माइनस कॉस 108 बाई टू आ गया, अगेन होल बाई क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस भी है, साइन ए इंटू कॉस भी है, तो वो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये आपका आ गया साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 36 माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 12 डिग्री, ओके, प्लस साइन 36 और कॉस, अगेन इसको दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे आपको 36 और 72 यानी कि साइन कितना आ जाएगा, 108, ओके, माइनस साइन 72 माइनस 36 साइन 36 आ जाएगा बटा टू। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन तो है नहीं है, बाई टू ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर क्या बचा आपको, ऊपर आपको बच गया कॉस 12 माइनस कॉस 36 प्लस कॉस 36 माइनस कॉस 108 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 108 को आप आराम से लिख सकते हैं, साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, या कॉस के टर्म में रखना चाहते हैं तो कॉस के भी टर्म में लिख सकते हैं, कॉस 108 को चलिए मैं लिख देता हूँ साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आपको साइन 18 डिग्री दे देगा, ओके। नहीं, यदि आप नहीं चाहते हैं इसको साइन में बदलने का तो मत बदलिए, इसको कॉस 108 भी रहने दीजिए, चलिए बाय। अब देखिए साइन 36 यहाँ पे है माइनस साइन 12 है प्लस साइन 108 है माइनस साइन 36 है, ये माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस यहाँ से भी कट गया, आपके पास बचा क्या, कॉस 12 माइनस कॉस 108 बच गया, बटा आपको क्या बच गया, साइन 12 प्लस साइन 108 बच गया, ओके। यदि इसको करेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस ही आना चाहिए, ऑब्वियसली प्लस आएगा, चलिए तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगेन साइन कॉस सी माइनस डी लगाना है और साइन सी प्लस डी लगाना है, ओके, तो चलिए साइन यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 108 और 12 120 बटा 2 60 इंटू ये साइन आ जाएगा, टू साइन 60 इंटू साइन सी माइनस डी यानी कि साइन डी माइनस सी यानी कि 108 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 96 बाई टू 48 डिग्री, बटा टू साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी 60 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि साइन 48 आ जाएगा, ये साइन 48 ए टू टू कट गया, साइन 60 बाई कॉस 60 कितना आ जाएगा, टेन 60, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। वैसे यदि आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का इस तरह का कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर जेड, आपसे पूछ लिया जाता है, या आपको ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर जेड आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसमें ध्यान केवल रखना यही है कि जो कोफिशियंट रहता है वो गिवेन का जो कोफिशियंट है और जो रिक्वायर्ड है जो आपको निकालना है उसका कोफिशियंट साइन कॉस का चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है और कॉस वाले का कोफिशियंट साइन का हो जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले केस में साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, साइन थीटा कोफिशियंट क्या है, ए,
तो यहां पे देखिए कॉस्ट थीटा है कोफिशियंट ए हो गया, कॉस्ट थीटा है कोफिशियंट क्या है बी, तो यहां पे साइन थीटा है कोफिशियंट बी हो गया। और बीच का साइन, जो बीच का साइन है वो आपको चेंज हो जाए, यदि प्लस दिया गया है तो आपसे माइनस वाला पूछ ले लेगा, माइनस दिया गया है तो आपसे प्लस पूछ ले देगा। जैसे कि पहले केस में देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया गया है और आपसे पूछ रहा है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, माने कि प्लस वाला दिया है माइनस वाला पूछ रहा है और इसका कोफिशियंट चेंज हो रहा है, या आपको माइनस वाला दिया है और प्लस वाला भी पूछा जा सकता है। केवल ध्यान ये रखना है कि माइनस दिया है तो प्लस पूछा जा सकता है, प्लस दिया है तो माइनस पूछा जा सकता है, और साइन और कॉस का जो गिवेन में कोफिशियंट है वो जो निकालना है उसमें कोफिशियंट साइन का कॉस में चला जाएगा, कॉस का साइन में चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट, यहाँ से जगह है, फेवरेट कॉन्सेप्ट है जहाँ से एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको मैं एक बार प्रूफ करके बता देता हूँ, फिर एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। हालांकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था उसमें पूरे डिटेल में बताया था, बट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए हम पहले वाले केस को ही यदि प्रूफ करना चाहे तो पहले वाले को क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपको क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे को भी स्क्वायर यदि आप करते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं ओके माइनस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण को एक और दो, दोनों समीकरण को यदि आप जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अगेन आपको बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर राइट साइड में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी इस तरह के कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा होगा तो यानी कि कोफिशियंट के स्क्वायर का सम राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू दिए गए हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चलिए आपको जेड निकालना है तो जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जेड का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसी चीज़ को हम लोग हर बार यूज करेंगे। वैसे मेन आप इसको याद रखिए कि कोफिशियंट के स्क्वायर का सम राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया रहता है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ से देखिए एसएससी कितनी बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन को अपन यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है 3 sin θ + 5 cos θ इज इक्वल टू 5, 5 sin θ - 3 cos θ का वैल्यू आपसे पूछा गया है क्या होगा। चलिए इसका वैल्यू हम लोग x ले लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए, प्लस दिया गया है माइनस पूछा है, चलिए फॉलो कर रहा है हम लोग का कॉन्सेप्ट। साइन थीटा कॉफिशियंट 3 है तो देखिए कॉस्ट थीटा का कॉफिशियंट 3 हो गया, कॉस्ट थीटा का यहाँ पे गिवेन में 5 था तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड निकालना है उसमें साइन थीटा का कोफिशियंट 5 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सेम जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी को फॉलो कर रहा है, यानी कि कोफिशियंट के स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर राइट साइड में जो दिया गया है उसके स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि 5 का स्क्वायर + इसको x माने हैं तो x² 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, x² = 3x², यानी कि x का वैल्यू ±3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया गया है ±3, सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर, यानी कि 5 sin θ - 3 cos θ का जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो ±3 आएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। जब आपका बेसिक क्लियर है आप खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे, ये फॉर्मूला फॉलो किए और बिना देखे भी इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क कर सकते हैं, बिना कलम उठाए भी इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्या देखें, प्लस दिया गया है माइनस पूछा गया है, चलिए साइन का कोफिशियंट 1 तो कॉस का 1,
कॉस का वन तो साइन का वन, चलिए फॉलो कर रहा है कोफिशियंट के स्क्वायर का सम, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, राइट साइड में जो दिया गया है उसका स्क्वायर, रूट टू कॉस का थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए इतना निकालना है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, टू कॉमन ले लिए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको साइन थीटा होता है, तो ये कितना आ गया टू साइन थीटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू साइन थीटा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस टू साइन थीटा। अब देखिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी और डी तो गया, ऑप्शन ए प्लस रूट टू साइन थीटा है और ऑप्शन बी माइनस रूट टू साइन थीटा है, तो आपको पता है कि प्लस रूट टू साइन थीटा भी आंसर होगा, माइनस रूट टू साइन थीटा भी आंसर होगा, दोनों ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही होगा, बट यदि इस तरह की सिचुएशन आपको एग्जाम में आए तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू को आप मार्क करके आइए, ऑप्शन ए मार्क करके आइए, हालांकि आप माइनस रूट टू साइन थीटा को भी मार्क करेंगे तो आपको आंसर जितना भी वेटेज है वो आपको जरूर उसका सही मार्क्स मिलना ही चाहिए और मिलता भी है, बट आप मार के आइएगा प्लस वाला, यदि इस तरह का कंट्राडिक्शन हो रहा हो, यदि दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हो दोनों आंसर, तो प्लस वाले को आप मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देखिए यहाँ पे कोफिशियंट और साइन वाला भी चीज फॉलो हो रहा है, यानी कि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू का स्क्वायर, और इसको एक्स ले ले तो एक्स का स्क्वायर, सॉरी सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए थोड़ा सा कॉफिंग है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, टू इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू माइनस वन बाई फोर, ये आपका 7/4 आ गया, तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 7/2। अब देखिए ए बी और डी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन सी, हालांकि एक ही आंसर है, माइनस रूट 7/2 भी आंसर होगा, बट आपको ऑप्शन में केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू दिया गया है, तो ऑप्शन सी को मार्क कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोला, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए बी पी क्यू। अगेन वो वाला फॉर्म को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, जो भी कंडीशंस थे फुलफिल कर रहा है, कैसे, साइन का कोफिशियंट ए तो यहाँ पे कॉस का कोफिशियंट ए, गिवन में कॉस का कोफिशियंट बी है, रिक्वायर्ड में साइन का कोफिशियंट बी है, यानी कि कोफिशियंट का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में जो दिया गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी, यदि ए स्क्वायर, यदि यहाँ पे इसको माइनस पी कर दिया जाए, इसको यहाँ पे माइनस पी किया जाए, चलिए इसको एक बार फिर से मैं ऑप्शन को इंटरचेंज कर दे, तो चलिए ऑप्शन में थोड़ी सी त्रुटि थी तो मैंने यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया है, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/3, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगेन ये आपको फॉलो कर रहा है वही वाला फॉर्म, यानी कि कोफिशियंट का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/13 का स्क्वायर प्लस, इसको एक्स लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू माइनस 49/169, ये कितना आ जाएगा 338-49/169, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये कितना आ जाएगा 289/169, जो कि आपको 17/13 आ जाएगा, प्लस माइनस 17/13 एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस नहीं दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसको एक एक तरह से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको दिया गया है 7/13, अब देखिए साइन में भी पी बाई एच, कॉस में भी बी बाई एच, एच यानी कि आपको 13 वाला यहाँ पे 13, 13 के साथ ट्रिपलेट्स बनता है 5/12/13 का, यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर है यानी कि यहाँ पे 12 यहाँ पे 5, अब देखिए 12/13 माइनस 5/13 आपको 7/13 तो दे रहा है, ओके आपसे पूछा क्या गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि 12/13 प्लस
5/13, ये यहाँ से आप डायरेक्टली 17/13, तो इजीली यहाँ से इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू वन एंड एक्स बाई ए टेन थीटा माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, देन विच वन इज करेक्ट। इसको थोड़ा सा आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्या एक्स बाई ए वाई बाई बी टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ से यदि आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा एक्स बाई ए कॉस थीटा माइनस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू आपको कॉस थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको आ गया ये चीज़, जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, एक्स बाई ए अगेन यहाँ पे टेन को साइन बाई कॉस यदि बदल देते हैं माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, तो ए आ जाएगा एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा, वन नहीं दिया गया, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, कॉस थीटा का कोफिशेंट एक्स बाई ए तो यहाँ पे साइन थीटा का हो गया, साइन थीटा का कोफिशेंट वाई बाई बी तो यहाँ पे कॉस थीटा का हो गया। ये आपका गिवेन कंडीशन है, ये आपका जो रिक्वायर्ड है वो कंडीशन है। यहाँ पे माइनस दिया गया था और आपसे प्लस पूछा गया है, ये चीज आपको यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है तो प्लस पूछा गया है, यानी कि वो वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। कोफिशियंट का स्क्वायर एक्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दूसरा कोफिशियंट है वाई बाई बी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट का स्क्वायर का सम कर लिए, राइट साइड में जो आ रहा है उसका स्क्वायर का सम कीजिए यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको चलिए एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आपसे पूछा क्या गया है उसके बराबर कौन सा चीज़ होगा या करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये चीज़ आपको वन दिया ही गया है, ये चीज़ आपको वन दिया गया है, एक्स मानने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे। तो एक्चुअली आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलती करी थी, एक कॉस थीटा जो लाया था वो यहाँ पे वन था, तो कॉस थीटा उस साइड में जाएगा तो ये भी कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि ये वन नहीं हो करके अगेन एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी आ गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू दिया गया है। चलिए इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, वन बाई कॉस थीटा प्लस वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहां से देखिए ये आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। क्या ये उस फॉर्म पे आपको कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, माइनस निकालना रहता क्योंकि आपको साइन इंटरचेंज करके ही आप निकाल सकते हैं, तो वो वाला चीज़ तो यहाँ लागू होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री आप रख दीजिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा 2/√2, ये आपको p के बराबर यानी कि p का वैल्यू √2 आ जाएगा। सिमिलरली sec थीटा प्लस cosec थीटा यानी कि q का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 + √2, आपको 2√2 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, क्यू का वैल्यू रखिए 2√2, पी का वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 2 माइनस वन, यानी कि आपको 2√2 आंसर आ गया। अब ऑप्शन चेक कीजिए, पी का वैल्यू √2 है यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी 2p, पी का वैल्यू √2 यानी 2√2 आ रहा है, ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं 3p नहीं होगा, ऑप्शन डी 2p स्क्वायर ए भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 2p विल बी आवर राइट आंसर। ओके, तो चलिए आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल। ओके, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, फाइंड एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। अगेन यहाँ पे वो वाला फॉर्म लागू तो होगा नहीं, थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री रखिए, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा √2, माइनस साइन थीटा यानी साइन 45 1/√2, इसका वैल्यू एल, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई
रूट टू आ जाएगा। सिमिलरली एम के लिए यदि आप करेंगे तो कॉस 45 रूट टू, कॉस थीटा 1 बाई रूट टू, ये आपको एम आ गया, यानी कि एम का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 - 1/√2, यानी कि 1/√2 आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर इन टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। एल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2, एम स्क्वायर 1/2, एल स्क्वायर अगेन 1/2 प्लस एम स्क्वायर 1/2 प्लस 3 आ जाएगा। ओके, ये आपका 1/4 आया, 1/2 प्लस 1/2 वन, 1 प्लस 3 4, 1/4 इंटू 4 यानी कि 1 आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं, 10% कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर दो तीन वीडियोज अपन केवल मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस पे, जो कि एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, या कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहा है, मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा लगे, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को। कुछ कमेंट हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वैसे आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। फेसबुक ग्रुप में ऑलरेडी 1900 के करीब मेंबर्स हैं। आपके जो भी डाउट्स हो, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके जो भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं, या हम लोग आपस में जितने भी मेंबर्स हैं एक दूसरे की मदद करेंगे, जो भी डाउट्स होगा उसको क्लैरिफाई करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप लोग की सुविधा के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से क्लिक करके ईजिली ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीडी व्यक्ति के बीच जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। या आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए वीडियोस को, व्हाट्सएप फेसबुक या वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।